7 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी कॉम का 4 चैप्टर डैशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का पार्ट 2। सो पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ बहुत ही काइंड थे और अपने पेट डॉग म्यूको को बहुत प्यार करते थे और म्यूको ने भी उनको फिर एक ट्रेजर, एक गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड ढूंढ के दिया था। लेकिन उनके जो नेबर थे वो बहुत ही खराब थे, बहुत ही क्रूअल थे। उन्होंने उस डॉग को मार दिया था क्योंकि वो जो डॉग था उसने उनके लिए खजाना नहीं ढूंढा जबकि एक डेड किटन ढूंढी थी, तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरह उसको मार दिया था। लेकिन मारने के बाद भी जो डॉग था उसने अपने मास्टर की हेल्प की। जो डॉग की स्प्रिट थी वो मास्टर के ड्रीम में आई और उसने बोला कि मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट के उसकी वुड से बनाना है मिल और बाउल और उसको यूज करना है। तो जब उन्होंने उस मिल और बाउल को बना के यूज किया तो उनको फिर से बहुत सारा गोल्ड मिला और वो फिर से बहुत रिच हो गए। लेकिन जब नेबर ने न्यूज सुनी तो उन्होंने उस मिल और बाउल को वहां से बोरो किया और उसको यूज किया तो उनको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिले, वर्म्स मिले और उसको गुस्सा होके फिर उन्होंने उस मिल के टुकड़े करके फायर में डाल दिया, उसको जला दिया। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ दिनों बाद ही जो गुड ओल्ड मैन था, जो कि काइंड था, उसने वापस से ड्रीम देखा और उसने ड्रीम में कौन आया, डॉग की स्प्रिट। अब की बार जो डॉग की स्प्रिट आई उसने बताया कि किस तरीके से जो क्रूअल पीपल थे, विकेट पीपल थे, उन्होंने उस मिल को जला दिया जो कि पाइन ट्री से बनाई गई थी, उसको जला दिया। अब जो स्प्रिट ऑफ डॉग है उसने क्या कहा कि जो मिल जला दी गई उसकी एशेज ले लो, उसकी राख ले लो और उसको स्प्रिंकल करना है एक विदर ट्री पे। विदर मीन्स बेयर एंड ड्राई, ऐसा ट्री जिसमें कोई लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, जो सूखा ट्री है, तो उस पे ले जाकर उसको स्प्रिंकल करना है, उसको छिड़कना है एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो वो फिर से खिल जाएगा। तो डॉग की स्प्रिट ने अपने मास्टर को पूरी बात बताई और बोला कि वो जो मिल है जिसको जला दी गई है उसकी एशेज लेके आ जाओ और उसको विदर ट्री पर छिड़कना है जिसकी वजह से वो ट्री ब्लूम हो जाएगा। ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिसरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। ओल्ड मैन उठा और उसी टाइम गया अपने नेबर के घर पे, जो बहुत ही क्रूअल थे, विकेट थे, उनके घर पे गया जहाँ पे उसने देखा कि वो दोनों क्या कर रहे थे, जो ओल्ड पेयर थे यानी कि जो ओल्ड मैन था और उसकी वाइफ थे, वो स्क्वायर फायरप्लेस, एक स्क्वायर शेप की आग जलाने की जगह थी, वहाँ पे उसके किनारे पे वो दोनों बैठे थे और फ्लोर के बीच में वो बैठे थे और क्या कर रहे थे, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे। स्पिनिंग मीन्स ये व्हील को घुमा के वो चरखा चला के कताई जिस तरीके से थ्रेड बनाते हैं वो कर रहे थे, स्पिनिंग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेस ऑफ सम बिट्स ऑफ द मील व्हाइल बिहाइंड देम पे पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे थे, अपने हैंड्स और फीट को गर्म भी कर रहे थे फायर में, जो कि आग थी, ब्लेस थी, उसमें उसको फायर में अपने हैंड और फीट को गर्म भी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ मील्स के टुकड़े तो आग में डाल दिए थे, बिट्स मतलब पीसेस, मील के कुछ पीसेस तो उन्होंने जला दिए थे, तो जो आग जल रही थी उसमें हाथ और पाँव को सेक रहे थे वो, क्योंकि विंटर सीजन था, और उनके पीछे कुछ टुकड़े और पड़े थे, ब्रोकन पीसेस पड़े थे, ब्रोकन पीसेस का एक ढेर लगा हुआ था जो कि मिल के थे, यानी कुछ टुकड़े उन्होंने जला दिए थे और कुछ टुकड़े पीछे पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, जो गुड ओल्ड मैन था वो गया और उसने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हम्बली, और उसने एशेस के लिए पूछा कि मैं एशेस ले जा सकता हूँ क्या। दो द कोविटस कपल टर्नड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। जो कोविटस कपल थे, जो कि बहुत ही क्रूअल थे, बहुत ही जेलस थे, उन्होंने उसको देख के मुंह चढ़ाया, मतलब एक तरीके से मुंह बिगाड़ना, नाक चढ़ाना, और उसको स्कोल्ड किया, उसको बहुत बुरा भला बोला जैसे कि वो कोई चोर है, वो कोई थीफ है। लेकिन इतना करने के बाद भी उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है उसकी बास्केट में वो एशेज भर के ले जा सकता है। तो टर्न अप देयर नोजेस मतलब किसी को बहुत ही इंसल्ट के साथ बिहेव करना, किसी की डिसरिगार्ड करना।
तो यहाँ पे उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया, लेकिन फिर भी उसको परमिशन दे दी कि वो अपनी बास्केट में एशेस भर के ले जा सकता है। तो यहाँ पे जो गुड ओल्ड मैन था वो अपनी बास्केट में एशेस भर के घर आ गया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स व्हिच परफ्यूम द एयर। घर आने के बाद ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को लेके गार्डन में गए और वहाँ पे क्योंकि विंटर सीजन था और उनका जो फेवरेट ट्री था चेरी ट्री वो सूखा था, उस पर कोई लीव्स नहीं थी, फ्लावर्स नहीं थी। तो वो अपने वाइफ को लेके गार्डन में आ गया और उसने पिंच ऑफ थोड़ा सा एशेज, थोड़ी सी एशेज ली और स्प्रिंकल कर दी उस ट्री पे, उस ट्री पर छिड़क दी थोड़ी सी एशेज को हाथ में लेके। एंड इट स्प्राउटेड ब्लॉसम और वो पूरा ट्री खिल गया और इतना खिल गया कि वो एक पिंक ब्लूम का क्लाउड लग रहा था, एक बादल लग रहा था जो कि पिंक कलर का हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पिंक कलर के फ्लावर्स खिल गए थे और उसकी जो परफ्यूम थी, उसकी जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस स्मेल आ रही थी वो भी हवा में बिखर रही थी। तो यानी यहाँ पे एक एशेज को छिड़कने से वो जो विदर ट्री था वो ब्लूम हो गया, जैसा कि डॉग ने कहा था। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। अब ये जो न्यूज थी वो पूरे विलेज में फैल गई, सबके को पता चल गया और सब भागे भागे आ रहे थे इस वंडर को, इस मैजिक को, इस यूनिक सी चीज को देखने के लिए कि क्या चमत्कार हो गया। द कॉमेडियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी। अब वो जो जेलस कपल था जो कि विकृत था, क्रूअल था, बहुत ही खराब थे, वो उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज, तो उन्होंने सोचा ये तो एशेज तो हमारे घर पे भी पड़ी है उसकी बची खुची, तो उन्होंने फटाफट से उस एशेज को जितनी भी उनके पास थी उसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। मिल की जितनी भी एशेज थी बची हुई उसने इकट्ठा की। एंड केप देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, और उसको रख ली ताकि वो भी किसी विदर ट्री को ब्लॉसम करेगा, खिला देगा, सूखे हुए ट्री को खिला देगा। तो उसने भी कलेक्ट करके अपने पास रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड द डायमंड वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। अब जो ओल्ड मैन था, जो कि काइंड ओल्ड मैन था, उसने ये खबर सुनी कि जो उनका लॉर्ड है, जो उनका मास्टर है, यानी वहाँ का जो राजा कह सकते हैं, डायमी हमने देखा था कि जो रिच लैंड ओनर्स होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो वो जो डायमी था वहाँ का, वो वहाँ से निकलने वाला है हाईवे से, मेन रोड से। हाई रोड मीन्स यहाँ पे जो मेन रोड है वहाँ से डायमी निकलने वाला है। ये खबर किसने सुनी? जो काइंड ओल्ड मैन था उसने ये न्यूज़ सुनी। अब जब ये न्यूज़ सुनी तो वो भी उनसे मिलना चाहता था, ये देखना चाहता था, तो वो भी उससे मिलने गया। यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है किस तरीके से एशेस को अपने हाथ में लेके उन्होंने स्प्रिंकल की और ट्री को ब्लॉसम कर दिया। अब वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई उसकी भी जर्नी, वो भी देखने गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, उसने अपनी बास्केट ली एशेस से भरी हुई और वो उस प्रोसेशन को देखने गया जहाँ पे कि उसका जो लॉर्ड था, डायमियो था, वो वहां से गुजरने वाला था। तो उसने अपनी बास्केट में एशेस ली और उससे मिलने चला गया। एज अ ट्रेन अप्रोच, ट्रेन यहाँ पे प्रोसेशन है जो कि सवारी निकल रही थी डायमियो की, डायमियो के पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे, तो ये जो प्रोसेशन था वो सवारी जो निकल रही थी वो जब वहां उसके पास आ गई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक पुराने से सूखे से चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। That stood by the wayside, जो कि रास्ते के साइड में थी, क्योंकि वो वहाँ पे अपने डायमियो को देखना चाहता था, उसको ये मैजिक भी दिखाना चाहता था, तो वो एक ओल्ड विदर चेरी ट्री पे चढ़ के बैठ गया और उसके नीचे से वो प्रोसेशन निकलने वाला था। Now in the days of daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. उस टाइम पे क्या कस्टम थी, क्या ट्रेडिशन था, क्या कानून था कि जब भी कोई लॉर्ड, उनका लॉर्ड वहां से निकलेगा, जब उनका लॉर्ड वहां से गुजरेगा, निकलेगा, तो जितने भी लॉयल पीपल हैं वो क्या करेंगे, जितने भी फेथफुल पीपल है जो कि विलेज में रहते हैं, वो अपनी विंडोज को शट अप कर देंगे, वो अपनी विंडोज को बंद कर देंगे। यानी विंडोज से झांकना बिल्कुल अलाउड नहीं था, विंडोज को बंद कर दिया जाता था जब भी लॉर्ड वहां से निकलता था या डायमंड्स वहां से निकलता था। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, कोई भी विंडो खोलने की गलती नहीं करे इसलिए उस विंडो को बिल्कुल फास्ट पेपर वगैरह चिपका के बंद कर दिया जाता था।
so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. विंडो से नीचे झांकना ये बहुत ही गलत कस्टम था, माना जाता था, इसलिए इसको अलाउड नहीं था कि कोई भी विंडो से नीचे झांके. तो यहाँ पे इम्पर्टिनेंस का मतलब है कि कानून का पालन नहीं करना या एक तरीके से इम्प्यूडेंस करना. तो ये गलत काम कोई नहीं करे, इसलिए विंडो को शट अप करा दिया जाता था, बिल्कुल विंडो को बंद करा दिया जाता था. कोई भी विंडो खोल के नीचे नहीं जा सकता था. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय. और ये कस्टम तो बंद कर दिया था कि विंडो से कोई झांकेगा. और क्या रूल था? रूल ये था कि जितने भी रोड के आसपास लोग होंगे वो भी अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे, अपने हैंड्स और नीज के बल बैठ जाएंगे और प्रोस्ट्रेट करेंगे, यानी कि अपने फेस को नीचे की तरफ झुका के रखेंगे जब तक कि वो सवारी वहां से नहीं निकल जाती. तो ये वहां का कस्टम था कि कोई भी विंडो से नहीं झांकेगा और सब लोग घुटने के बल नीचे बैठ जाएंगे और कोई भी अपना फेस ऊपर नहीं करेगा जब तक कि सवारी नहीं निकल जाती. एज द ट्रेन ड्रू नियर, जब राजा की जो प्रोसेशन थी, उनकी जो सवारी थी, वो पास आ गई, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड. एक लंबा सा आदमी जो कि बहुत ही कैपेबल था, कॉम्पिटेंट था, वो आगे आगे मार्च कर रहा था, यानी कि वो एक लीड कर रहा था आगे की तरफ पूरी सवारी को. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा था रास्ते में, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज. ये चिल्लाता हुआ एक लंबा सा कैपेबल सा आदमी आगे चल रहा था ताकि लोगों को पहले से वार्निंग दे दे कि कोई इस तरीके की गलती नहीं करे. एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और हर इंसान वहां अपने घुटनों के बल बैंड हो गया, झुक गया, क्योंकि प्रोसेशन वहां से निकल रहा था, सवारी वहां से निकल रही थी. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री. अचानक क्या हुआ, जो वैन का लीडर था, जो वैन थी मतलब जो व्हीकल था, गाड़ी थी, उसका जो लीडर था, उसकी नजर पड़ गई इस ओल्ड काइंड मैन पे. और ये कहाँ बैठा था? ट्री के ऊपर. तो ट्री पे बैठा हुआ एक इंसान यहाँ पे लीडर को नजर आ गया. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, और उसको गुस्सा आ गया, वो चिल्लाने वाला था कि ये वहां कैसे बैठ गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल कस्टम नहीं था और ये तो रूल के खिलाफ था कि कोई ऊपर से देखे राजा को नीचे. तो वो चिल्लाने वाला था गुस्से में, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन जब उसने देखा कि अरे ये तो बहुत ही ओल्ड फेलो है, ओल्ड मैन है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम. तो उसने ये प्रिटेंड किया, यानी उसने एक तरीके से दिखावा किया कि उसने किसी को देखा ही नहीं, और पास हिम बाय और वहां से निकल गया. मतलब उसकी ओल्ड एज देख के उसको थोड़ा पिटी फील हो गया और उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है उसको पनिशमेंट मिल जाए. तो उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उसकी नजर ही नहीं गई किसी पे, उसने नजरअंदाज कर दिया, उसको इग्नोर करके आगे निकल गया. सो व्हेन द डायमियोस पैलेंक्विल थ्रू नियर, जब जो डायमियो थी उसकी जो रॉयल वैन थी, जो गाड़ी थी, वो आ गई ओल्ड मैन के ट्री के जस्ट नीचे. टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, अपनी बास्केट में से एशेस का थोड़ा सा थोड़ी सी एशेस अपने हाथ में ली, पिंच ऑफ एशेस अपने हाथ में ली, स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, और ट्री पे स्केटर कर दी, उस पर स्प्रिंकल कर दी, उस पर छिड़क दी. इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही एशेस ट्री पे गई वो सारे फ्लावर्स खिल गए, स्प्राउटेड हो गए, सारे फ्लावर्स लीव्स खिल गए. द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, अब ये देख के जो डायमियो था वो बहुत सरप्राइज हो गया, डिलाइटेड हो गया, हैप्पी हो गया, और उसने जो प्रोसेशन था उसको रोकने का ऑर्डर दे दिया कि ये कितना मतलब वंडरफुल चीज़ हुई है, और उसने सवारी को वहीं रोक दी. एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और ये वंडर, ये मैजिक देखने के लिए वो बाहर निकल के आ गया. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया. ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम. यानी ये वंडर देख के जो डायमियो था वो बहुत ही हैप्पी हुआ और उसने वहीं पे अपनी प्रोसेशन को रोक दिया और वो इस वंडर को देखने के लिए बाहर आ गया. और उसने अपने ओल्ड मैन को वहाँ पे बुलाया, उसको बहुत थैंक यू बोला कि इतनी वंडरफुल चीज़ दिखाई और बहुत सारे ऑर्डर दिए कि उसको प्रेजेंट दिए जाएं, सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस, अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन. जितने भी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स थे वो उसको देने के लिए उसको घोषणा की. उसमें अच्छे अच्छे कपड़े थे, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक थे, फैंस थे, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड उस ओल्ड मैन को
दिए गए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। यहाँ तक कि डायमियो ने जो लॉर्ड था उसने अपने किले में अपने फोर्ट में भी उस ओल्ड मैन को इनवाइट किया कि तुम इनवाइटेड हो, तुम मेरे किले में या फोर्ट में भी आना। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। यहाँ पे ओल्ड मैन बहुत खुश हुआ, ग्लीफुली वो अपने मतलब हैप्पीली अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए और जॉय के साथ वो अपने घर गया और अपनी वाइफ को सब कुछ शेयर किया। तो ग्लीफुली मतलब हैप्पी है और पैलेंटिल मतलब जो रॉयल वैन या उसकी गाड़ी थी राजा की वो। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, अब वापस ग्रीडी नेबर ने ये सब सुन लिया। ही टुक सम ऑफ मैजिक एशेज एंड वेंट आउट टू द हाईवे। उसने भी वही करने की कोशिश की जो कि काइंड ओल्ड मैन ने की थी। उसने भी वो मैजिक एशेज ली और हाईवे पे चला गया राजा को वो वंडर दिखाने के लिए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमियोस ट्रेन केम अलोंग। वहां पे वो जाके वेट करने लग गया कि डायमियो का प्रोसेशन वहां पे कब आता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड विद द चेरिट्री। लेकिन भीड़ में जितने भी लोग थे वो तो सब घुटने के बल बैठे थे, लेकिन वो चढ़ गया विद द चेरिट्री पे, वो भी एक सूखे से चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। व्हेन द डायमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम। जब डायमियो खुद उस ट्री के नीचे था, यानी जहाँ पे उस ट्री के ऊपर वो बैठा था उस ट्री के नीचे ही जब डायमियो की सवारी आई, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। अब यहाँ पे उन्होंने पिंच ऑफ एशेज नहीं फेंकी, यानी थोड़ी सी एशेज स्प्रिंकल नहीं करी, कितनी स्प्रिंकल करी, हैंडफुल ऑफ एशेज, बहुत सारी एशेज हाथ में भरी और ट्री पे डाल दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन उस ट्री पे जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। और जो हवा थी उस हवा की वजह से वो एशेज थी वो कहाँ चली गई, डायमियो और उसकी वाइफ के नोज में और आईज में, यानी उनकी नाक में आंख में वो सारी डस्ट चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और वो वहाँ पे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, क्योंकि सारी डस्ट उनके आँख और नाक में जा चुकी थी, उसके डस्ट के पार्टिकल्स चले गए थे। तो इस तरीके से इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। उन्होंने प्रोसेशन की सारी डिग्निटी, जो सारा शो था, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। जितना भी ग्रेस था, डिग्निटी थी, वो प्रोसेशन की ख़त्म हो गई, क्योंकि सब लोग वहाँ पे सफोकेटिंग फील कर रहे हैं, छींक रहे हैं, क्योंकि जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, एशेस पार्टिकल है, वो सबके नाक और कान में आँख में जा रहे थे। द मैन हूज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जो आदमी चिल्ला रहा था ना आगे आगे लंबा सा, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो अब गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वो सबको ऑर्डर पहले ही दे रहा था कि घुटने के बल बैठ जाए, ऐसी हरकत नहीं करें, लेकिन उसने तो एशेस छिड़क के सब स्पॉइल कर दिया। उसने उस ओल्ड फूल को कॉलर से पकड़ लिया और खींचता हुआ, ड्रैग करता हुआ ट्री से नीचे उतार दिया। एंड टम्ब्ड हिम, टम्ब्ड मीन्स रोल्ड, मतलब उसको लुढ़का दिया। एंड हिज एज बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के पास में जो एक नाला था, डिश था गंदे पानी का, उसमें उसकी एश बास्केट को फेंक दिया, उसको भी जमीन पे फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। लेफ्ट हिम फॉर डेड मीनिंग होता है कि इतना ज्यादा मारा कि इंसान मर ही जाए, बस उसको मारा हुआ समझ के उसको छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। इस तरीके से जो क्रूअल ओल्ड मैन थे, जेलस ओल्ड मैन थे, वो मड में मर गया, डाइड हो गया वो कीचड़ में। और बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग, लेकिन जो डॉग के काइंड फ्रेंड थे, वो जो काइंड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ थी, लिव्ड इन पीस एंड प्लेंटी। ड्वेल मीन्स लिव्ड, वो वहाँ पे पीस और प्लेंटी के साथ, खुशी के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ रहे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे उसकी वाइफ थे, बहुत हेल्दी, एक्टिव और प्रोस्परस लाइफ जीने लग गए थे। तो इस तरह देखा आपने, जो काइंड ओल्ड मैन था उसको अपनी अच्छाई का रिवॉर्ड मिल गया, और जो विकेड ओल्ड मैन था, जो कि जेलस था, ग्रीडी था, उसको अपने किए की सजा मिल गई। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें भी कभी लालच नहीं करना चाहिए, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए और अच्छा इंसान बनना चाहिए। टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।